सो दोस्तों, वर्कआउट नंबर 10 इज आर फुल बॉडी डंबल वर्कआउट. इसके अंदर आपको चाहिए होंगे दो इक्विपमेंट, एक्सरसाइज मैट और अ पेयर ऑफ डंबल्स. ओके, उसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. हम करने वाले हैं अ फुल बॉडी वर्कआउट टारगेटिंग योर लेग्स, बैक, चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स एंड योर एब्स. ओके, सो हर एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए और हम ब्रेक लेंगे 20 सेकेंड्स का. हम करेंगे अ टोटल ऑफ 7 एक्सरसाइजेस इन 1 राउंड एंड वी आर गोइंग टू डू 2 राउंड्स टुडे. चलिए डंबल्स उठा लीजिए. फर्स्ट एक्सरसाइज इज योर डेड लिफ्ट. ओके, सो डेड लिफ्ट के लिए आपको इस तरीके से खड़े होना है. डंबल्स को आपको बिल्कुल लेग्स के सामने रखना है या साइड पे रखना है. यहाँ से आपको हिप्स को पीछे पुश करते हुए और ऊपर की तरफ आना है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. आ जाइए मैट पे एंड स्टार्ट. नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है हैमर कर्ल्स. वो आपके आर्म्स के लिए है. ग्रिप देख लीजिए, इस तरीके से आपको ग्रिप रखना है और डंबल्स को आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ लेकर आना है. ध्यान रखिए कि आपकी एल्बोज को बॉडी के पास में रखेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. कीप ब्रीदिंग. Next exercise is for your back. Okay, reverse dumbbell flies. इसी तरीके से आपको खड़े होना है. ऑल राइट, हिप हिंज करना है. पीछे हिप्स को पुश करिए, डंबल को नीचे लेकर आइए और फ्लाइज आपको इस तरीके से मूवमेंट परफॉर्म करना है. लेट्स गेट स्टार्टेड. एब्स एंगेज. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर योर चेस्ट मसल्स. उसके लिए आपको मैट पे लेटना है इस तरीके से ऑन योर बैक. बेंड योर नीज एवरीवन. एब्स को एंगेज करके रखेंगे हम. डंबल्स को इस तरीके से हम नीचे लेकर आएंगे और आर्म स्ट्रेट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. कीप ब्रीदिंग. मेक श्योर आपका अपर आर्म फ्लोर को टच हो रहा है. Very good exercise to tone and strengthen your chest muscles. Next exercise is tricep skull crushers. These muscles here. Dumbbell को shoulder के ऊपर रखिए, abs engage करिए. एंड देन यहाँ से आपको एल्बो को बेंड करके स्ट्रेटन करना है. बेंड योर एल्बोज एंड स्ट्रेटन. इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज करेंगे. लेट्स स्टार्ट.
नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर योर एब्स. हम करने वाले हैं बाइसेकल्स. यहाँ पे आपको डंबल को ऊपर ही रखना है और इस तरीके से लेग ऑल्टरनेट लेग स्ट्रेट करते रहना है इस तरीके से. ओके चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. एंगेज योर एब्स एंड स्टार्ट. बहुत ही स्लो तरीके से करना है, कंट्रोल्ड वे में. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर योर शोल्डर्स. उसके लिए आपको मैट पे स्टैंडिंग पोजीशन में आना है. ओके एंड एब्स एंगेज करिए. फ्रंट रेजेस लैटरल रेजेस. ओके लेट्स स्टार्ट. माइक्रो बेंड इन योर एल्बोज. सो राउंड नंबर वन हो गया है ख़त्म. अब हम करेंगे स्टार्ट राउंड नंबर टू. फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है डेडलिफ्ट. ओके सो फिर से फॉर्म बताती हूँ आपको. नीज को थोड़ा बेंड करिए, पेट को थोड़ा अंदर करिए, डंबल्स को लेग्स के पास में रखना है, इस तरीके से नीचे जाना है और ऊपर आना है एंड स्क्वीज योर हिप्स. ओके लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ फॉर योर बाइसेप मसल्स, फॉर योर आर्म्स. हैमर कर्ल्स करने वाले हैं तो इसी तरीके से आपको खड़े होना है. फीट जो हैं वो आपके राइट अंडर योर हिप्स रहेंगे. लोअर बेली को इन रखना है आपको. ये आपके रिस्ट का पोजिशनिंग होगा और यहाँ से हम कर्ल अप करेंगे. लेट्स गो. हैमर कर्ल्स. मेक श्योर कि आप डंबल को स्विंग ना करें, एक कंट्रोल तरीके से ऊपर लाएं और नीचे लेके जाएं. कीप ब्रीदिंग. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज योर रिवर्स डंबल फ्लाई फॉर योर बैक एंड फॉर योर रियर शोल्डर. ओके स्टैंड हिप विथ अपार्ट. इसी तरीके से खड़े होना है. माइक्रो बेंड योर नीज, पुश योर हिप्स बैक. हिप्स को पीछे पुश करिए और यहाँ से आप टंबल को इस तरीके से ऊपर लेकर आएंगे. लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर योर चेस्ट. ओके लाई डाउन ऑन द मैट. इस तरीके से लेट जाइए और नीज को बेंड करके रखिए. डंबल आपका चेस्ट के ऊपर इस तरीके से रहेगा इस ग्रिप में. अपर आर्म को आपको टच कराना है फ्लोर पे एंड फिर स्ट्रेट करने हैं आर्म्स. लेट्स गो.
नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर योर ट्राइसेप्स. आपको इसी पोजीशन में रहना है, लेग्स आपके बेंड रहेंगे, आपके डंबल को आपको शोल्डर के ऊपर इस तरीके से रखना है. यहाँ से आपको एल्बोज को बेंड करना है, डंबल को फ्लोर टच करने दीजिए और आर्म स्ट्रेट करिए. लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर योर बैक मसल्स, फॉर योर एब मसल्स सॉरी. ओके, बाइसिकल्स करने वाले हैं हम लोग. यहाँ से आपको डंबल को इस पोजीशन में रखना है, राइट जस्ट अबव योर चेस्ट, और लेग्स को स्ट्रेट करना है ऐसे, इस तरीके से. लेट्स स्टार्ट. कीप ब्रीदिंग. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर योर शोल्डर्स. सो वी विल कम टू द स्टैंडिंग पोजिशन. यहाँ से हम करेंगे हमारे फ्रंट रेजेस एंड लैटरल रेजेस. पेट को अंदर रखिए बिल्कुल, डंबल का पोजिशनिंग ये रहेगा. एंड लेट्स स्टार्ट. फ्रंट रेजेस, लैटरल रेजेस फॉर योर शोल्डर्स. तो दोस्तों, आई होप कि आपको वर्कआउट नंबर 10 अच्छा लगा. अगर लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में. टिल वी मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट वर्कआउट, ऑल ऑफ यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय.